चौकीदार का टॉर्च कहाँ से बरामद हुआ है? आप इधर आइए, आप ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, एक्टिव साहब, चौकीदार का टॉर्च कहाँ से बरामद हुआ? पर थे, उसी दरमियान उनकी हत्या हुई। एक क्रिमिनल गिरोह है जिसके द्वारा ये घटना कारित किया गया था, जिसमें से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ में चाकू भी बरामद कर लिया गया है, जो जिससे जो है कि हत्या की गई थी, और साथ साथ दो अन्य लोग अभी फरार हैं, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। ये लोग जो भी कारित किए थे, हत्या जो किए थे, मर्डर, ये खुद क्रिमिनल गिरोह के थे, सदस्य थे, और ये इनके मूवमेंट का और सारा इंफॉर्मेशन चौकीदार। में दो लोगों की हत्या हो गई, क्या मामला था? आसिया थाना अंतर्गत गर्डी गांव में दो पक्षों में आपसी मारपीट हुई थी, जिसमें दो व्यक्ति की हत्या हो गई है। दोनों शवों को इंक्वेस्ट तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोई गिरफ्तारी अभी तक? गिरफ्तारी तो अभी नहीं है, दो व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या बोलने आया वो? वो तो रोज रोज मार करने के लिए आता था। हाँ, तो आज क्या करने आया वो भी मार करने के लिए आया था। तो फिर क्या हुआ? वही मार भी शुरू किया। हमारा जो तीनों बेटा था, हम लोग, हम नहीं थे, हम यहाँ घर में थे, तो वो मार शुरू किया। जैसे उसका बेटा विनोद सोरेन, कसू का बेटा विनोद सोरेन, उसके हाथ पर इथी था, रिवॉल्वर मतलब पिस्तौल। वो बोला कि तुम लोग लाइन हो जा, एक एक को जिंदा मार देंगे, एक को जिंदा नहीं जाएगा, ऐसे बोला। ऐसे बोलते ही उसका पिता के पास इथी छोड़ का मतलब डंटा था, छोड़ का टुकड़ा, लोहा का रॉड। उससे हमारा बेटा को मतलब कपार में मरा। तो वो भी वजनदार आदमी है, खड़ा थोड़ा थी थोड़ा, तो मरना शुरू हो गया। तो फिर अरे तो साला ऐसे टेबल पर ऐसे सीधा गया है, तो ऐसे पीछे से मेरा बेटा जो है, बस उसके पास कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी से मारा उसको, बस उसका रिवॉल्वर भी फेंका गया, वो भी आदमी भी गिर गया। तब को दोनों को फिर शुरू हो गया, दोनों मर गया, दोनों को साथे साथ मार दिया। बेटा क्या, बेटा को ले गया पुलिस पकड़ के? बेटा हम लोग मतलब थाना में हम दो गो मोटरसाइकिल में हम भेज दिए, हम लोग नहीं बोले, जमीन का लड़ा हम लोग भगना नहीं है, हम डर के हम सिलेंडर हो जाए। हम लोग कल आए थे, सफाई कर रहे थे, तो आज हम लोग फिर गाड़ी लेके आए, तो वो दोनों गाड़ी के साथ आए, तो हम लोग तो पीछे पीछे आ रहे थे। अच्छा। तो तब उसके बाद ही विवाद हुआ, हम लोग तो नहीं आ पहुंचे थे तब तक, हम लोग तब तक मेरा भाई और पापा को तो मार दिया गया था। जब हम पहुंचे तो हम ट्रक निकट तो गए, लेकिन साहस नहीं था कि उसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो सब दस लोग थे और वो लोग जवान थे, बड़े तो सब थे, और दो औरत थी। तो मारने वाला क्या कहाँ था? यहीं गर्जी का है, मेरा गुतिया सा भी लगेगा। दादा का नाम उसका जो है वो दुश्मन नारायण सोरेन, ये क्या बोलते हैं सुनील सोरेन, प्रकाश सोरेन, संदीप सोरेन।